हेलो गुड मॉर्निंग, मैं हूँ अभिषेक फ्रॉम अभिषेक कंपटीशन कोचिंग यूट्यूब चैनल। और मैंने आपको आज दिन में एक वीडियो दिया था जिसमें कि मैंने बताया था कि नोटिफिकेशन जो है वो आ चुकी है, तो वही के बारे में हम आपसे बात करेंगे कि दिन में जो था वो RRB भोपाल का नोटिफिकेशन आया था कि ALP CBT 1 एग्ज़ाम यानी CBT सेकेंड एग्ज़ाम कब होगा, CBT 1 एग्ज़ाम का रिजल्ट के बारे में। तो उसका फिर वो नोटिफिकेशन हट गई थी सभी यानी कि भोपाल के RRB से। तो फिर बहुत सारे लोगों को लगा कि ये बिल्कुल फेक है या फिर कुछ भी। तो अभी जो है वो अभी सभी सभी RRB पे आ चुका है इसका नोटिफिकेशन, तो आप खुद भी देख सकते हैं। जैसे RRB मुजफ्फरपुर का मैंने यहाँ पे खोला है, इसका नोटिफिकेशन मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे CN01/2018 देखिए 4/12 का बिल्कुल आ चुका है यहाँ पे। इसको कटक करेंगे, क्लिक किए तो अब देखिए यही नोटिफिकेशन जिसका वीडियो मैंने आज दिन में आप लोगों को बना के दिया था। इसका देखिए 23 जनवरी यानी कि इसका एग्ज़ाम जो है 21, 22 और 23 जनवरी को होगा, और 20 दिसंबर को CBT फर्स्ट का रिवाइज रिजल्ट आएगा बिल्कुल। तो अब ये चीज़ हमको लगता है कि सभी रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पे आ गया होगा। चलिए मुजफ्फरपुर तो दे दिया, अब उसका देखिए हम मुंबई निकालते हैं। RRB मुंबई को निकाल के देखते हैं, RRB मुंबई। ओके, तो अब फुल एंड फाइनल रूप से अब यह है कि 24 वाली एग्ज़ाम जो है बिल्कुल कैंसिल हो गई है। अब ये जो है ये कौन सा भाई, ये पहले वाला ही है। चलिए तो अब फुल एंड फाइनल से बात यही है कि वो 24 दिसंबर वाली एग्ज़ाम जो है वो बिल्कुल कैंसिल हो गई है। अब आप देखिए RRB मुंबई, हाँ यहाँ भी आ चुका है, RRB मुंबई की वेबसाइट पे ही आ चुका है बिल्कुल। और आप 110% कन्फर्म हो जाएगी 24 दिसंबर वाली जो एग्ज़ाम है वो बिल्कुल कैंसिल हो गई है। अब वो एग्ज़ाम जो है 21, 22 और 23 जनवरी को 100% बिल्कुल होगी, और यहाँ पे 20 दिसंबर को रिजल्ट आ रही है। तो अब फुल एंड फाइनल रूप से यही आप लोगों के पास न्यूज़ है, और ये बिल्कुल फाइनल न्यूज़ है कि आप लोगों के पास जो यानी कि CBT सेकेंड का एग्ज़ाम जो है वो 21, 22 और 23 जनवरी 2019 को होगी, नए साल में होगी। और इसका वीडियो देखिए कि जब मैंने इसका पहले ही अनुमान लगाया था आप लोगों को मैंने बताया, जैसे कि हम आपको फिर से लेके चलते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल पे, और जो कि आप टाइप कर सकते हैं ABHIESHEK स्पेलिंग। और मैं आपको बहुत दिन पहले ही मैंने इसका वीडियो बनाया था कि इसका एग्ज़ाम जो है जनवरी में होगी, और इस वजह से बहुत सारे लोगों ने हमको डिसलाइक भी कर दिया था कि ये अपना मन से क्या बोल रहा है कि ये रेल मिनिस्टर है ऐसे वैसे। तो मैं आपको खुद लेके जाता हूँ उस वीडियो पे, और मेरा अनुमान बिल्कुल सही था कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था आज से 2 महीना पहले कि इसका एग्ज़ाम जनवरी में होगा, और देखिए सच्ची में बिल्कुल जनवरी में ही हो रही है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस का कमाल था कि मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि इसका एग्ज़ाम जो है जनवरी में होगी। वो वीडियो मैं आप लोगों को निकाल के दिखा देता हूँ, बहुत सारे लोग बिना मतलब के डिसलाइक करते रहते हैं, उन लोगों के लिए होगा ये। देखिए मैंने कहीं बताया था, देख लीजिए 1 मिनट किधर गया। और मैंने सभी जगह पे ये तो दिवाली वाला, कहाँ गया वीडियो वो, देखिए यहाँ पे 1 मंथ एगो यानी हमने 1 महीना पहले ही बता दिया था कि इसका एग्ज़ाम जो है जनवरी में होगी। और देखिए इस वीडियो को हम आपको खोल के बता देते हैं, यहाँ पे देखिए 15 लोगों का डिसलाइक है यहाँ पे इस वीडियो में, और वो सब फालतू के बहुत सारे कमेंट्स भी थे उसमें, तो मैं आपको कमेंट नहीं दिखा पाऊँगा यहाँ पे। और क्योंकि देखिए हम यहाँ पे इस वीडियो हम आपको बताए हैं कुछ ऐसी बातें कि इसमें मैंने बताया था कि ये
ग्रुप डी का एग्जाम जो है वो 15 दिसंबर तक चलेगी, फिर देखिए 19 दिसंबर से आरपीएफ का एग्जाम होगा जो कि कम से कम 15 जनवरी तक जरूर चलेगी, और 20-22 जनवरी से स्टार्ट होगी सीबीटी सेकेंड एग्जाम। ये बात मैंने 1 महीना पहले ही बता दिया था आप लोगों को, बिल्कुल 1 महीने, देखिए 7 अक्टूबर को ही मैंने बता दिया ये बात को, लेकिन आज आप लोगों को और जो लोग हमारे इस बात को माने होंगे और वो लोग तो यानी कि तैयारी कर रहे हैं, लेकिन देखिए 24 दिसंबर का इसका था एग्ज़ाम डेट था, लेकिन मैंने फिर भी इसको मैं पहले ही बता दिया कि इसका एग्ज़ाम जो है बिल्कुल जनवरी में ही होगी। इसका थंबनेल आप बिल्कुल देख सकते हैं और देखिए जनवरी में होने की पूरी संभावना है, और ये बात मैंने बता दिया आपको अक्टूबर में ही, तो देख रहे हैं। और यहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस काम करता है, और उसके बाद देखिए इतना सारा वीडियो मैंने बनाया है, और अभी मेरे 96,000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं, तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और देखिए कि आप मेरे एक्सपीरियंस का पूरा फ़ायदा उठाइए। और देखिए जैसे कि हम 2014 में लोको पायलट बने थे आरआरबी मुजफ्फरपुर में, और अभी हम ऑनलाइन कोचिंग पढ़ा रहे हैं, वीडियो कोचिंग, तो आप इसको ज्वाइन करके आप भी बन सकते हैं लोको पायलट। इस बार ही मेरा रिजल्ट है और मैं एग्ज़ाम देता हूँ सिर्फ और सिर्फ ये जानने के लिए, अपना एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए, ताकि हम रियल लाइफ के स्टूडेंट के साथ बने रहें। तो आप बिल्कुल आप हमारा वीडियो कोचिंग ज्वाइन कीजिए, और जो कि आरआरबी सीबीटी 2 का स्पेशल वीडियो कोचिंग होगा ये, और ये अभी हम एक ऑफ़र लेके आ रहे हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको 200 रुपये में ही मिल जाएगी, जबकि इसका स्टार्टिंग प्राइस था 5,000 रुपये, तो अभी आपको सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये में आपको हम दे रहे हैं, 200 रुपीज़ में आपको दे रहे हैं। और इसमें आपको ज़्यादातर क्या दे रहे हैं, आपको टाइम मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, OMR एंसरिंग टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, उसका फिर एक कंप्यूटर एग्जाम ऑन कंप्यूटर दे रहे हैं। ये तीन चीज़ आप जान लिए तो आपका नंबर 10 से लेकर 15 नंबर आपको एक्स्ट्रा परसेंटेज बढ़ जाएगी, आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो, खासकर CBT सेकेंड। इसके अलावा आपको जितना भी टॉपिक है सभी टॉपिक आपको बिल्कुल गेस क्वेश्चन देंगे, और उस क्वेश्चन आपको रिवाइज करवा देंगे, तो आप सोचिए कि आप 70-75% तैयारी कीजिएगा, और आपको आपको जो टाइम मैनेजमेंट है, और उसके बाद फिर आपको OMR एंसरिंग है, और एग्जाम ऑन कंप्यूटर, ये तीन चीज़ सीख लेते हैं बिल्कुल मुझसे, तो आपको 10 से लेकर 15 नंबर बिल्कुल कन्फर्म बढ़ ही जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपके नंबर लाने की संभावना, यदि आपका नंबर लाने का पावर है 60 नंबर आप ला सकते हैं, मेरा ये तीनों टेक्निक यदि आप सीख लेते हैं तो आपको ये कम से कम आपको 75 नंबर तो जरूर आ ही जाएगा, कन्फर्म आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। हज़ारों स्टूडेंट इस टेक्निक का फ़ायदा उठा रहे हैं, आप भी उठाइए और बिल्कुल अपने रिजल्ट को 100% कन्फर्म कर लीजिए। तो बस ये हमारा वीडियो कोचिंग आपको 200 रुपये का ही आएगा, तो आप बिल्कुल इसको ले सकते हैं। तो देखिए मैंने जो बात अभी चल के आई है रेलवे की तरफ से, वो बात मैंने आपको यानी कि अक्टूबर में ही बता दिया था, और तो यही था इस वीडियो में, और फुल एंड फाइनल रूप से बस बात यही है कि आप लोग तैयारी कीजिए और आप हमारा वीडियो कोचिंग बिल्कुल ले सकते हैं। ये सिर्फ आपको 200 रुपये का ही आएगा, जिसमें देखिए आपको ये सब सिलेबस आएगा, मैथमेटिक्स, जनरल रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, ये सब कुछ का आपको मिलेगा, गेस क्वेश्चन भी मिलेगा। लेकिन इससे बड़ी बात जो आपको टेक्निक हम दे रहे हैं, वो टेक्निक है आपको टाइम मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, इसका फिर आपको OMR एंसरिंग टेक्नोलॉजी, और एग्जाम ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। वो तीन टेक्नोलॉजी को आप जान लीजिए, मेरे तरीका से आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तो आपका बिल्कुल कम से कम आपको 15 नंबर बढ़ ही जाएगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा। तो आप इसका आपको सबका गेस क्वेश्चन ले सकते हैं, 25-25, 40-10, और आप बिल्कुल तैयारी कर पाएगा। और मैंने इस वीडियो कोचिंग का प्राइस जो था पहले 5,000 था, इसको मैंने कम करते करते बहुत ही कम कर दिया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका फ़ायदा उठा सके, और आप भी उठाइए। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आप हमारे वीडियो कोचिंग के बारे में एक्स्ट्रा कुछ जानना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कीजिए, मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 8406891116। थैंक यू सो मच हमारे इस वीडियो को देखने के लिए, और अब 110% श्योर हो जाइए कि आपका एग्ज़ाम जो है 21 जनवरी से होगा, और बिल्कुल होगा ही होगा। तो बस अभी आपके पास एक्स्ट्रा मिला आपको 1 महीने का समय बोनस के रूप में, यदि आपने अभी तक तैयारी नहीं किया, आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आ रहा है, और यही बात मैंने रेलवे भर्ती बोर्ड को बहुत दिन से मैं समझा रहा हूँ कि एक्चुअली हम इस पे वीडियो बना रहे थे कि स्टूडेंट को कुछ टाइम मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए, और आखिरकार रेलवे ने हमारी बात सुन ही ली और स्टूडेंट लोगों को मौका दे ही दिया, और आप लोगों को ही मौका मिल गया 1 महीना एक्स्ट्रा। और देखिए न्यू सिलेबस है सब कुछ का, देखिए यहाँ पे देखिए टेक्निकल भी, इसको एक बार फिर से समझ लीजिए अच्छी तरह से। और तो बस यही था इस वीडियो में, और आप बिल्कुल हमारे वीडियो कोचिंग को ज्वाइन कीजिए, और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, और उस व्हाट्सएप ग्रुप में ही आपको वीडियो मिलेगा, वीडियो सारे वीडियो का लिंक मिलेगा, और इसका कोर्स आपको 200 रुपये का रहेगा, वो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ मेरा वाईफाई बिल का मेंटेनेंस चार्ज ही ले रहा हूँ, और एक्स्ट्रा पैसा मैं आप लोगों से नहीं चार्ज कर रहा हूँ।
और तो थैंक यू सो मच। और